अब तक तो हम बोल चुके होते, अब तक तो मैं कह चुका होता, अब तक तो हम पहुंच चुके होते, अब तक तो हम सो चुके होते। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आप तक तो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो टू एंड हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय नो। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिसी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब तक तो हम बोल चुके होते, वी वुड हैव स्पोकन बाय नो, वी वुड हैव स्पोकन बाय नो। अब तक तो मैं कह चुका होता, आई वुड हैव ईटन बाय नो, आई वुड हैव ईटन बाय नो। अब तक तो हम पहुँच चुके होते, वी वुड हैव रीच्ड बाय नो, We would have reached by now. अब तक तो हम सो चुके होते, We would have slept by now. We would have slept by now. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। Keep this point in your mind that advanced English is important for spoken English that can take you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English instruction so that you can gain influence. वो अब तक लिख चुका होता, वो अब तक लिख चुका होता। आपसे मिलकर अच्छा लगा, उससे बात करके अच्छा लगा, सुनकर अच्छा लगा, ये पढ़कर अच्छा लगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अच्छा लगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नाइस टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर एवरीडे कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो टू एंड हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर। नाइस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिसी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। उससे बात करके अच्छा लगा, नाइस टू टॉक टू हिम, नाइस टू टॉक टू हिम। सुनकर अच्छा लगा, नाइस टू लिसन, नाइस टू लिसन। ये पढ़कर अच्छा लगा, नाइस टू रीड दिस, नाइस टू रीड दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश इंस्ट्रक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। सो लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश इंस्ट्रक्शन सो दैट यू कैन गेन इन्फ्लुएंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। उससे मिलकर अच्छा लगा, उससे मिलकर अच्छा लगा। चलो छोड़ो मैं खुद करूँगा, चलो छोड़ो हम चले जाएंगे, चलो छोड़ो और बताओ, चलो छोड़ो वो चावल पकाएगी। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं चलो छोड़ो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स लीव इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सो व्हाट दिस वीडियो टू टी एंड हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर। लेट्स लीव इट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। लेट्स लीव इट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो छोड़ो मैं खुद करूँगा। लेट्स लीव इट आई विल डू इट माई सेल्फ। Let's leave it, I will do it myself. चलो छोड़ो हम चले जाएंगे। Let's leave it, we will go. Let's leave it, we will go. चलो छोड़ो और बताओ। Let's leave it, tell me something else. Let's leave it, tell me something else. चलो छोड़ो वो चावल पकाएगी। Let's leave it, she will cook rice.
लेट्स लीव इट शी विल कुक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश दैट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। सो लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश इंस्ट्रक्शन एज मच एज पॉसिबल सो दैट यू कैन गेन इन्फ्लुएंस। चलो छोड़ो मैं बताता वो पढ़ने में कमज़ोर है, हम लिखने में कमज़ोर हैं, मैं बोलने में कमज़ोर हूँ, वो खेलने में कमज़ोर है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कमज़ोर है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ब्लैंक अबाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ सेंटेंस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो टू एन हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ब्लैंक अबाउट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो पढ़ने में कमज़ोर है, ही इज ब्लैंक अबाउट रीडिंग। ही इज ब्लैंक अबाउट रीडिंग। हम लिखने में कमज़ोर हैं, हम लिखने में कमज़ोर है। वी आर ब्लैंक अबाउट राइटिंग। We are blank about writing. मैं बोलने में कमज़ोर हूँ, I am blank about speaking. I'm blank about speaking. वो खेलने में कमज़ोर है, He is blank about playing. He is blank about playing. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश दैट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। सो लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश इंस्ट्रक्शन एज मच एज पॉसिबल सो दैट यू कैन गेन इन्फ्लुएंसी। वो काम में कमज़ोर है मुझसे बात करो तो सही, हमें बताओ तो सही, खाना खाओ तो सही, उसे बुलाओ तो सही। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है इंतहाई सिंपल आसान सादा सा स्ट्रक्चर है। और वो स्ट्रक्चर कुछ यू है, ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझसे बात करो तो सही, ट्राई टू टॉक टू मी। Try to talk to me. हमें बताओ तो सही, Try to tell us. Try to tell us. खाना खाओ तो सही, Try to eat. Try to eat. उसे बुलाओ तो सही. Try to call him. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। Keep this point in your mind that advanced English instruction is really important for spoken English that can teach you from basic to advanced level. So learn and practice this advanced English instruction as much as possible so that you can get fluency. So हमें रोको तो सही. साफ साफ कहो साफ साफ उसे बताओ साफ साफ लिखो साफ साफ पढ़ो। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं साफ साफ, इसके लिए आपको लिखना होगा इंग्लिश में क्लियरली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच अ सेंटेंस इन योर एवरीडे कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो टू एंड हैव अ लुक कंप्लीट स्ट्रक्चर। सेंटेंस प्लस क्लियरली। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा, क्लियरली मीन साफ साफ। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। साफ साफ कहो, स्पीक क्लियरली। साफ साफ उसे बताओ, टेल हिम क्लियरली। साफ साफ लिखो, Write clearly. साफ साफ पढ़ो, Read clearly. Read
क्लियरली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस्ड इंग्लिश इंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश दैट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। सो लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश इंस्ट्रक्शन एज मच एज पॉसिबल सो दैट यू कैन गेन इन फ्लुएंसी। साफ साफ उसे समझाओ, साफ साफ उसे समझाओ। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश इंस्ट्रक्चर। थैंक्स।